वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनपीओ, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा एनपीओ चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्या करूँगा बताऊँगा। अभी तक मैंने 45 एमसीक्यू क्या किया बता दिया है, अगर आपने देखा है तो जाके देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन क्लास 12th अकाउंटेंसी, उसमें 45 एमसीक्यू क्या है वीडियो उसका अवेलेबल है, नहीं देखा देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे 46 से लेके जितना भी एनपीओ से रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है उसके बारे में डिटेल्स क्या करूँगा मैं बताऊँगा। चलो स्टार्ट करते हैं, 45 तक मैंने बता दिया है, 46 से स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, कहने का मतलब है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नॉन ऑफ दिस, राइट। तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट, कौन सा नॉमिनल अकाउंट, याद रखिएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अब मेरे बात को ध्यान सुनिए, बोलता है नॉमिनल अकाउंट क्यों है, इस पर भी थोड़ा टॉक कर ले। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, क्लास 11th में पढ़ा होगा। बोलता है कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट और इनकम्स, कोई भी एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट इनकम गेंस ये सबसे रिलेटेड कोई अकाउंट रहेगा तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, नॉमिनल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इससे प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं या बोल सकते हैं सरप्लस या डिफिसिट निकालते हैं, तो वैसा कोई भी अकाउंट, ध्यान सुनिएगा, वैसा कोई भी अकाउंट जिससे किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है, वैसा कोई भी अकाउंट जिससे किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, मेरा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस वाला कौन सा अकाउंट इंडिकेट करता है, नॉमिनल अकाउंट। ऐसे बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है, फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइंड आउट होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट होगा तो वो भी मेरा कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। अगर बात किया जाए क्लास 12th में तो हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उससे भी डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस पता लगता है कि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट से लॉस क्या होगा मिलेगा। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट होता है किसी भी तरह का, राइट, तो कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कौन सा अकाउंट आपका क्या पता लगता है, सर डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हो जाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद क्या बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट असेट्स और एक्सटर्नल लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको जानने के लिए जो अकाउंट बनाते थे उसे हम लोग क्या बोलते थे, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो वो भी आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है। तो वो भी मेरा कौन सा अकाउंट कहलाएगा, मेरा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, राइट। उसके बाद बनाते थे आपका रियलाइजेशन अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के समापन के समय असेट्स और लायबिलिटीज का जो सेटलमेंट हुआ है उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उससे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो भी मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। मतलब कहने का अर्थ है कि वैसा कोई भी अकाउंट जिससे किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस निकलता है, अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बात किया जाए तो सरप्लस और डिफिसिट पता लगता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस डिफिसिट कितना हुआ, सरप्लस एक तरह से प्रॉफिट, डिफिसिट एक तरह से क्या लॉस, तो ये भी मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जिससे किसी भी तरह का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होता है नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। एक बार फिर से मैं जल्दी बोल दूँ, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस सारे अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। आई होप बातों को आप समझ गए होंगे। अगर बात किया जाए 47 का, देखिए एमसीक्यू क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, क्या बोलता है,
Which of the following is not a not for profit organization? इसमें कौन है जो not for profit organization नहीं है? तो कॉलेज आपका है, स्पोर्ट्स क्लब है, मारुति उद्योग, क्या हो गया? मारुति उद्योग। तो ये जो मारुति उद्योग है ना, ये क्यों खोला गया? प्रॉफिट मोटिव के लिए। हॉस्पिटल भी क्या है आपका? एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मारुति उद्योग क्या है? प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला गया ना, तो नॉट फॉर प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आपका 47 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा मेरा? मारुति उद्योग, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते कितना 48 का, 48 में देखिए क्या बोलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, बोलता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां बनाते हैं? अरे भैया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं, सीधा सा बात है। तो ये ऑप्शन देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, देखिए सी में आ जाएगा ना, क्या है आपका? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहाँ बनाते हैं हम लोग? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। तो आपका 48 का सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका सी, ठीक है जी। उसके बाद क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक आपका कैश बुक या कैश अकाउंट की तरह होता है, पैसा कहाँ कहाँ से आया, कहाँ कहाँ गया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में उसका हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। तो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट जनरली, देखिए एक वर्ड है, सामान्यतः क्या शो करता है? सरप्लस नहीं, सरप्लस तो कौन शो करता है? आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैपिटल फंड नहीं, वो तो बैलेंस शीट में पता लगता है। डेबिट बैलेंस क्या होगा भैया? डेबिट बैलेंस जनरली कौन सा बैलेंस इंडिकेट करेगा? डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का कभी कभी क्रेडिट बैलेंस भी शो करता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट का केस आ गया तो। लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज कर दिया? जनरली। जनरली तो भैया डेबिट बैलेंस ही शो करता है, कभी कभी ओवरड्राफ्ट के केस में क्रेडिट बैलेंस भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शो करने लगता है। लेकिन कौन सा वर्ड यूज किया? जनरली। तो कौन सा बोलेंगे? डेबिट बैलेंस, ठीक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट इतना समान के चलिए कैश बुक, तो कैश बुक का ऑलवेज कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में कभी कभी क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कौन सा वर्ड यूज किया? जनरली। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो 49 का क्या हो गया आपका? डेबिट बैलेंस है ना, सी। उसके बाद 50 में देखिए क्या बोलता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली क्या इंडिकेट्स करता है? सरप्लस और डिफिसिट, सीधा सा बात है। तो आपका इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए, सरप्लस और डिफिसिट, मतलब प्रॉफिट और लॉस। लेकिन प्रॉफिट वर्ड लॉस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए प्रॉफिट की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सरप्लस। और लॉस की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम लोग? डिफिसिट, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका जनरली क्या इंडिकेट्स करता है? सरप्लस और डिफिसिट। आई होप बातों को समझ रहे होंगे। 51 में आ जाइए, बोलता है डोनेशन रिसीट फॉर स्पेस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी सो। देखिए, डोनेशन अगर जनरल पर्पस के लिए मिला है, सामान्य काम के लिए, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो होगा, ठीक है। लेकिन स्पेशल पर्पस के लिए मिला तो कहाँ शो हो जाएगा मेरा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। स्पेशल पर्पस बिल्डिंग बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, पवेलियन बनाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन मिलेगा, वो मेरा कैपिटल रिसीट्स है, और कहाँ शो होगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। देखिए, इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होता जब यहां पे कौन सा वर्ड यूज करता है? जनरल डोनेशन। लेकिन कौन सा है? स्पेसिफिक डोनेशन। तो कहां शो होगा? ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये वाला सही है ना। कौन हो जाएगा? ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। अगर जनरल रहता तब इनकम एक्सपेंडिचर, स्पेसिफिक लिख दिया तो कहां शो होगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो 51 का राइट आंसर कौन हो गया आपका? बी, ठीक है। उसके बाद 52 में क्या बोलता है? द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज, बहुत बार बता चुके हैं कि आपका बोलता है असेट्स ज्यादा लायबिलिटीज कम, तो क्या आएगा? कैपिटल फंड आएगा। तो आपका इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका? 52 का ए। 52 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। 52 का क्या हो जाएगा? ए। तो आपका असेट ज़्यादा और लायबिलिटीज कम, तो मेरा क्या आएगा? कैपिटल फंड। कहाँ? नॉट ट्रेडिंग कंसर्न में। अगर यही ट्रेडिंग कंसर्न रहता, प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला जाता, तो कैपिटल फंड की जगह सिर्फ कौन सा वर्ड यूज होता है मेरा? कैपिटल।
कौन सा वर्ड यूज होता है? कैपिटल। अगर ट्रेडिंग कंसर्न रहता तो प्रॉफिट मोटिव के लिए खोला जाता तो, लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग है तो कैपिटल की जगह कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कैपिटल फंड। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा 52 का ए। आई होप ये सारी बातों को आप समझ रहे होंगे। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी और भी कुछ एनपीओ से रिलेटेड जो एमसीक्यू बन सकता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको एनपीओ से रिलेटेड और कुछ एमसीक्यू के बारे में बताता हूँ। देखिए 52 तक मैंने बता दिया है, 53 में क्या बोलता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, यानी जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो किस इसका समरी है? तो भैया पैसा आने का पैसा जाने का कैश का समरी है, सीधा सा बात है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं, बैलेंस शीट नहीं, किसका समरी है? कैश बुक का। ठीक है, आपका जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स है वो किसका समरी है? कैश बुक का। कैश बुक में क्या होता है, जो पैसा आता है उसको लिखते हैं, जो पैसा जाता है उसको लिखते हैं, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स में भी क्या लिखते हैं? कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक। ठीक है, तो 53 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी। अब देखिए आपका 54 में क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, एक कैलकुलेटर वाला भी मिल सकता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपने सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव किया है? 50,000, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए इसको समझिएगा, सब्सक्रिप्शन आपने करेंट ईयर में कितना रिसीव किया? 50,000। एक बार फिर से, करेंट ईयर से रिलेटेड रिसीव नहीं किया 50,000, यानी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर नहीं है 50,000, वही तो निकालना है। बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर कितना होगा, ये निकालिए, यानी करेंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन इसको कैलकुलेट कीजिए। और बोलता है कि करेंट ईयर में जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया कितना? 50,000, ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर रहेगा, एंड वाला रहेगा, क्लोजिंग वाला रहेगा, तो वो क्या करेंगे, करेंट ईयर से रिलेटेड माना जाएगा, उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 50,000 में 8,000 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्लोजिंग वाला रहेगा तो क्लोजिंग वाला सब्सक्रिप्शन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड था, करंट ईयर में नहीं लिया। तो 50,000 और 8,000 एंड वाला है ना, तो कितना हो गया 58,000। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन कितना था? 6,000। तो ये पिछले साल से रिलेटेड था, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड 6,000 लेना था, जो आपने प्रीवियस ईयर में नहीं लिया, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग में शो करेगा, तो करेंट ईयर का ओपनिंग में शो करेगा। तो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन आपने करेंट ईयर में लिया, करेंट ईयर का तो इनकम ही माना जाएगा, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। ठीक है, तो आपका 50,000 और क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे, क्योंकि आपका करेंट ईयर से रिलेटेड था, तो 58,000 और 58,000 में हम लोग 6,000 क्या करेंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड है, तो 58,000 में 6,000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 52,000। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? सी। कौन हो जाएगा आपका? सी। सीधा सा बात है, बात समझे ना। तो 54 का कौन हो जाएगा? सी। एक बात मैं फिर से बोल दूं, एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें सारे कैलकुलेशन क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है, देख लीजिए मैं बुक दिखा देता हूं, क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन बुक एडिशन 2023-24 वाला, सारा जो क्वेश्चन है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मैंने सॉल्व कर दिया है। अगर आप पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सब वीडियो क्या अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ये सब तो छोटा छोटा कैलकुलेशन है, बड़ा बड़ा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करेंट ईयर निकाला है, इसमें ओपनिंग आपका आउटस्टैंडिंग रहे, क्लोजिंग रहे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, क्लोजिंग, पूरा डेटा रहे, तब कैसे निकालते हैं, वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिएगा। इसका क्या हो गया आपका? 52,000, यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 54 का सी। ठीक है, 55
35 में देखिए, इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड, बात को समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड द एक्सपेंसेस एक्सीड्स द अमाउंट ऑफ द फंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन है समझ में नहीं आएगा क्या बोलता है, मेरे बात को समझिए, ये कैपिटल फंड है। क्या है? कैपिटल फंड। जैसे हम आपको बना के दिखाते हैं कैसे होता है, जैसे ये मेरा बैलेंस शीट है, ये मेरा क्या है, बैलेंस शीट है, एकदम सिंपल तरीका समझिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसमें समझाने का कोशिश करेंगे। और मेरा मान लेते हैं क्या है आपका स्पेसिफिक फंड, यानी फंड बेस अकाउंटिंग हो गया, राइट। तो आपका स्पेसिफिक फंड मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, स्पेसिफिक फंड आपका 10,000 है। स्पेसिफिक फंड क्या है? 10,000। किस स्पेशल पर्पस के लिए आपको फंड मिला है? तो स्पेसिफिक फंड कितना? 10,000। तो इससे रिलेटेड कोई खर्च होगा तो स्पेसिफिक फंड में ही से क्या होगा, लेस होगा। फंड बेस अकाउंटिंग है, जिस पर्पस के लिए फंड बनाया गया है उस पर्पस रिलेटेड कोई रिसीट्स होगा तो उसी फंड में जाके ऐड होगा, और उस पर्पस रिलेटेड कोई खर्च होगा तो उसी फंड में जाके लेस होगा, उसी को बोलते हैं फंड बेस अकाउंटिंग। तो स्पेसिफिक फंड कितना है? 10,000। और मान लेते हैं कि खर्च हो गया, मतलब एक्सपेंसेज हो गया मान लेते हैं 8,000। कितना? 8,000। तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि 10 में से 8,000 लेस हो गया, फाइनली कितना आ जाएगा आपका? 2,000। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कितना आ जाएगा? 2,000। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि आपका फंड में पैसा कितना था, फंड में पैसा कितना था? 10,000। और मान लेते खर्चा हो गया 13,000। खर्चा कितना हो गया? 13,000। तो बताइए 3,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ना, तो एक्सेस अमाउंट जो 3,000 हो गया ना, जो आपने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया माइनस में, तो ये कहाँ ट्रांसफर होके चला जाएगा? ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बात को समझिए, जिस पर्पस के लिए फंड रखा गया है अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए तो ज़्यादा जो खर्चा हो जाएगा कहाँ चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड या डेबिट साइड। तो 10,000 में 13,000 लेस हो गया, बचा कितना? 3,000, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लायबिलिटी साइड और बैलेंस शीट नहीं, ये वाला हो जाएगा डेबिट साइड। कौन हो जाएगा? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा हो जाएगा आपका? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा, थोड़ा सा आप साउंड को एडजस्ट कर लीजिएगा। तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, जितना फंड था उससे कम रहेगा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा खर्च हो गया, जितना ज्यादा खर्च होगा कहाँ चला जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। आई होप ये सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो 55 का कौन सा आंसर हो गया आपका? बी। उसके बाद 56 में बोलता है प्रॉपर्टीज रिसीव्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है क्या है कि आपका कोई पर्सन डेथ कर रहा है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, मृत्यु हो रहा है, बहुत सारा फिल्म में देखा होगा आपने। तो मरने के दौरान बोलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टीज है किसी अनाथालय को दे दिया जाए, किसी स्कूल को दे दिया जाए, किसी ट्रस्ट को दे दिया जाए, इस तरह से बोलता है जो मरने वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं डिसीज्ड पर्सन यानी जो व्यक्ति मरने वाला है उसके द्वारा किसी तरह का कोई पैसा मिलेगा तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा आपका? लेगेसी ऑनरेरियम डोनेशन सब्सक्रिप्शन। क्या माना जाएगा? लेगेसी। क्या माना जाएगा? लेगेसी। लेगेसी मतलब क्या होता है? वसीयत। लेगेसी मतलब क्या होता है? वसीयत। वसीयत या आपको विरासत में कोई पैसा क्या हो गया, मिल गया किसी आपका डिसीज्ड पर्सन के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? लेगेसी। वसीयत में आपको क्या हो गया, मिल गया। आई होप बातों को समझ गए होंगे। तो 56 का कौन सा आंसर हो गया आपका? ए, राइट। तो जितने भी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड MCQ बन सकता था सभी का मैंने क्या किया, बना दिया, राइट, 1 से लेकर 56 तक। तो पहले आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जिसके बाद जो चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसका भी बहुत जल्द MCQ अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।